अटलांटिक में, जहाँ पर मेरा और एक्वामैन दोनों ही जा रहे थे उस बॉय को ढूंढने के लिए, जिसका विजन एक्वामैन को दिखा था और वो कह रहा था मुझे उस बॉय को ढूंढना होगा जिसके हाथ पर ईल का टैटू बना हुआ है। तब मेरा कहती है ईल का टैटू, शायद मैं इसे जानती हूँ। और इससे पहले कि वो आगे अपना सेंटेंस कंप्लीट कर पाती, इससे पहले ही डेड मैन और डव दोनों वहाँ पर टेलीपोर्ट हो जाते हैं और उन दोनों को बचाने के लिए वो उन्हें सरफेस पर ले आते हैं, जहाँ पर डेडमैन कहता है मैंने रिंग से कहा था कि ग्रीन लैंटर्न के पास ले जाओ, ना कि यहाँ अंडर वाटर में। तब वो रिंग कहती है तुम्हें वो कैंप याद है बोस्टन, जिसमें तुम तैरना पसंद कर रहे थे। आगे वो सभी सरफेस पर आकर एक कैंप फायर जलाकर आपस में डिस्कशन कर रहे थे, जहाँ पर डेडमैन कहता है मुझे लगा था कि ये रिंग मेरे पास है, इसका मतलब इसका मास्टर मैं हूँ, लेकिन अब भी इसके पास इसका खुद का माइंड है और ये मुझे ऑफेंस कर रही है। मैंने इसे कहा था मुझे ग्रीन लैंटर के पास ले जाओ और ये मुझे एक्वामैन के पास ले आई। तब आगे कोई उसे कहता है कि शायद इसका मतलब ये हो कि जिस तरह तुम यहाँ पर आ गए डूबने के लिए, उसी तरह से एक प्रोटेक्टर भी डूब रहा हो जिसे बचाने की जरूरत हो। तब आगे कोई कहता है कि शायद इसका मतलब ये हो कि हमें किसी अनादर प्रोटेक्टर की जरूरत हो। आगे मेरा कहती है यही एग्जैक्ट वर्ड है जो कि डव के लिए कहे गए थे रिंग के जरिए। आगे डव कहती है लेकिन मुझे अब भी ऐसा लगता है कि डेडमैन, एक्वामैन, हॉप और सभी लोग रिजेक्ट हुए हैं किसी तरह का पार्ट प्ले करने के लिए, क्योंकि हम सभी से कुछ बढ़कर है और किसी के अराइवल के लिए। आगे वो सभी आपस में बात कर रहे थे कि एक्वामैन को जो विजन में दिखा वो कौन था। तब एक्वामैन कहता है लेकिन तुमने तो कहा था कि सबके विजन डिफरेंट है। आगे वो कहता है हाँ सबके विजन, हॉप के भी और मेरे भी। आगे वो बताता है कि तुमने अपने विजन में क्या देखा डेडमैन। तो वो कहता है कि कुछ नहीं, लेकिन मुझे ये पता है कि किसी हीरो के लिए मुझे एक प्लेटफॉर्म सेट करना है और इसी से शायद मैं अपने इस हाथ से इस रिंग को उतार पाऊँ। तब आगे वो रिंग कहती है तब तक नहीं जब तक 12 लोगों को जो काम दिए गए है वो पूरे नहीं हो जाते। इस पर एक्वामैन कहता है कि डेडमैन तुम्हें उनसे मिलकर उन्हें भी यही समझाना चाहिए जो तुमने हमें समझाया। और आगे वो कहता है इसका मतलब है कि कोई और है जो इस रिंग के लिए बना है, तुम्हें उसे ढूंढना है, हम सभी हीरोज को उसे ढूंढना है और यहाँ पर जितने भी हीरोज हैं वो इसी काम में लगेंगे और सबसे पहले मैं उस बॉय को ढूंढूंगा। तब मेरा कहती है आर्थर मुझे पता है वो कौन है और शायद मैं जानती हूँ कि हमें उसे क्यों ढूंढना चाहिए। तभी हम सिल्वर सिटी न्यू मैक्सिको में उसी बच्चे को देखते हैं जिसके हाथ में ईल का टैटू था और वो बारिश में आगे बढ़ते हुए अपने उस टैटू को फिर से चमकाने लगता है, अपनी पावर्स को इस्तेमाल करने लगता है और एक अटलांटियन में कन्वर्ट होने लगता है। और अपनी पावर्स को वो इस्तेमाल कर ही रहा था कि तभी पीछे से आवाज आती है जैक्सन और उसके हाथ में रखी वो बॉटल टूट जाती है जिसमें एक शिप थी और उसके पिता उसे लेते हुए कहते हैं कि जैक्सन तुम ये क्या कर रहे थे। तब वो बताता है कि कोई यहाँ पर नहीं है डैड, लेकिन आगे वो आदमी कहता है लेकिन बेटा तुम्हें याद रखना चाहिए ये रिस्की है, तुम ये जानते हो। आगे वो कहते हैं तुम्हारी माँ और मैं तुम्हें खोना नहीं चाहते। तब वो कहता है नहीं आप मुझे नहीं खोएंगे। आगे उसके पिता कहते हैं जैक्सन ये इतना आसान नहीं है, हम तुमसे प्यार करते हैं। आगे उसके पिता उसे समझाते हुए कहते हैं कि वो फिर ऐसा ना करे और तब वो कहता है हाँ मुझे लगता है कि यही करना सही होगा, लेकिन उसके पिता कहते हैं कि अब वक्त आ चुका है सच्चाई जानने का। और तभी हम देखते हैं उस शिप को पानी में तैरते हुए। यहाँ स्टार सिटी में मार्शल मैन हंटर अपना काम पूरा करने आया था उस जंगल को जलाने के लिए और तब वो उस जंगल के ऊपर उड़ते हुए कहता है ये देखने लायक है, उस व्हाइट लैंटर्न विजन में मुझे यही दिखा था, यही जंगल था जिसे मुझे जलाना है और उस व्हाइट लैंटर्न के हिसाब से मुझे इसे जलाना होगा। और तभी जैसे ही वो उस जंगल में पावर रखता है उससे उसकी फिजिकल और साइकिक स्ट्रेंथ बढ़ जाती है और आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। और इसी के साथ आज का एपिसोड शुरू होता है लॉस्ट एंड फाउंड। एक बार जो 12 विलन्स और हीरोज रिजरेक्ट हुए थे व्हाइट लाइट के जरिए जो कि अर्थ के डीप सेंटर से आई थी, उसका रीजन अभी भी मिस्ट्री बना हुआ है, लेकिन इसी मिस्ट्री को सॉल्व करेंगे हम इस ब्राइटेस्ट डे में। वही दूसरी तरफ किसी मॉल में या मार्ट में एक और मार्शियन घूम रही थी शॉपिंग करते हुए और लोगों को मारते हुए अपनी मेंटल एबिलिटीज के साथ और यहाँ पर मार्शियन मैनहंटर अपना काबू खो चुका था अपने सारी पावर्स के ऊपर का, वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था और साथ ही साथ वहाँ के आसपास के उन पेड़ों की साइकिक स्ट्रेंथ भी उसे डिस्टर्ब कर रही थी और साथ ही साथ वो उन पेड़ों को जला रहा था। वो पेड़ उससे कुछ कह रहे थे और वो उन पेड़ों से कुछ कह रहा था और इसी दरमियान वो अपना कंट्रोल खोकर वहाँ पर हीट विजन फायर करने लगता है और सब कुछ तबाह करने लगता है, लेकिन तब तक पीछे से आवाज आती है
कि तुम बहुत बड़े हो और मुझे बड़े टारगेट्स बहुत पसंद है। और तभी हम देखते हैं ग्रीन एरो को मार्शियन मैनहंटर पर हमला करते हुए। यहाँ पर अभी भी वो उस जंगल को तबाह कर रहा था और मार्शियन मैनहंटर ग्रीन एरो को अपने रास्ते से हटाते हुए उसी काम पर लग जाता है। यहाँ पर ग्रीन एरो समझ चुका था कि वो मार्शियन मैनहंटर ही है। वो उसे पुकार रहा था लेकिन फिर भी मार्शियन मैनहंटर उस पर ध्यान न देते हुए अपना काम किए जा रहा था और वो उस पेड़ के जरिए अपनी ताकत पूरी तरह से बहा कर उस पूरी जंगल को तबाह कर रहा था। यहाँ पर जो तकलीफ मार्शियन मैनहंटर को हो रही थी वही तकलीफ उस दूसरे मार्शियन को हो रही थी और वो दोनों ही आपस में लड़ रहे थे उस साइकिक स्ट्रेंथ के जरिए। जहाँ पर उसे एक विजन दिखता है जहाँ पर वो देखता है कि मार्स अभी भी जिंदा है और मार्स को वो दोनों जिंदा कर सकते हैं और जिंदा करने के बाद ही उन दोनों के जिंदगी का असली मकसद सामने आने वाला था। यहाँ पर इस विजन के बाद वो मार्शियन उसी मार्ट में वहीं पर खड़ी थी। यहाँ पर ग्रीन एरो देख रहा था कि मार्शियन मैनहंटर की वजह से पूरा जंगल तबाह हो रहा है और वो यही जॉन को बता रहा था। जॉन आखिर तुम कर क्या रहे हो, तुम इस सब को तबाह कर रहे हो, आखिर तुम ये कर क्यों रहे हो। लेकिन मार्शियन मैनहंटर अपने अलग अलग फॉर्म्स को महसूस कर रहा था। जहाँ पर वो कह रहा था मैं हूँ जॉश जोन्स, तब रिंग कहती है नहीं तुम नहीं हो। मैं हूँ जॉश जॉनस्टोन्स, तब रिंग कहती है नहीं तुम ये भी नहीं हो। मैं हूँ ब्लैक लैंटर्न, तब रिंग कहती है नहीं तुम ब्लैक लैंटर्न भी नहीं हो। और इसी दरमियान ग्रीन एरो उस पर तीरों से वार करते हुए उसे घायल कर रहा था लेकिन उसे तिनका पर भी फर्क नहीं पड़ रहा था। इस वजह से ग्रीन एरो अपना आकृत दाव इस्तेमाल करता है और उन एरोस को वो अपने ट्रैप किए हुए कुछ रोप्स के ऊपर फेंकता है और कहता है कि मुझे इन जंगलों को बचाने के लिए अपने ही पुराने फ्रेंड पर कुछ पैतरे आजमाने पड़ेंगे। और तब ग्रीन एरो उन पैतरों को आजमा कर वहाँ से छलांग लगा देता है। और तभी व्हाइट रिंग मार्शियन मैनहंटर से कहती है तुम हो जॉन जोन्स मार्शियन मैनहंटर। और तभी हम देखते हैं कि ग्रीन एरो का वो फैलाया हुआ जाल मार्शियन मैनहंटर पर भारी पड़ता है। तब ग्रीन एरो से कहता है मुझे माफ करना लेकिन मुझे पता है कि तुम इसे झेल लोगे। तब ग्रीन एरो आधे बेहोश हुए मार्शियन मैनहंटर को वहां से घसीटते हुए ले जा रहा था और साथ ही साथ उस व्हाइट लैंटर्न वाले पेड़ की तरफ देखते हुए कह रहा था अगर तुम्हारे पास कुछ मैजिक है तो 350 पाउंड के इस मार्शियन को उठाने में मेरी मदद करो या फिर तिनकी की तरह हवा में उछाल दो। यहाँ पर वो उसे आगे बढ़ा ही रहा था कि तभी मार्शियन उसे कहता है कि तुम्हें मेरा हाथ अपने कंधे पे रख के मुझे उठाते हुए यहाँ से भागना होगा क्योंकि मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर कुछ बचने वाला है। तब आगे बढ़ते हुए मार्शियन मैनहंटर ग्रीन एरो से कहता है कि जब मैं इस जंगल में आया तब मेरा माइंड और मेरी फिजिकल स्ट्रेंथ आपस में वॉर करने लगे, इसी वजह से मैं अपनी फ्लाइंग एबिलिटी अभी तक इस्तेमाल नहीं कर पा रहा हूँ और जो मुझे व्हाइट लैंटर्न विजन में दिखा था कि वही जंगल है और जैसा मुझे कहा गया था कि इस जंगल को तबाह करो मैंने वैसा ही किया है। आगे वो दोनों ही एक जगह पर बैठकर इस सब पर डिस्कशन कर रहे थे और तब वो बताता है कि मेरी टेलीपैथिकली पावर्स एक बार फिर से नॉर्मल हो चुकी है। तब वो कहता है तो मुझे ये बताओ कि यह सब की यहाँ पर ये सब करना जरूरी था, इस सबको मार कर इस सब का मजा उठाना जरूरी था। तब मार्शियन मैनहंटर कहता है नहीं और मुझे पता है कि तुम इससे खफा हो और तुम इस वजह से मुझ पर गुस्सा भी हो ये मुझे पता है। तब ऑलिवर किंग कहता है कि मेरे दिमाग में से बाहर निकलो जॉन, तुम्हें पता है कि मुझे ये सब पसंद नहीं कि तुम अपनी टेलीपैथिक पावर मुझ पर इस्तेमाल करो। तब वो कहता है नहीं मैं तुम्हारे दिमाग के अंदर नहीं हूँ, मैं सिर्फ ऑब्जर्वेशन कर रहा हूँ तुम्हारी सारी सिचुएशंस को, इसी के ऊपर मैंने कंफ्यूजन किया। तब वो आगे उसे पूछता है कि तुम अब कहाँ पर जाओगे। तब वो कहता है मैं अपने घर जाऊंगा, अपने असली घर एमनेस्टी बे, जहाँ पर ब्लैक मांटा ढूंढते हुए आ रहा था एक्वामैन को। और वो थॉमस करी के ग्रेव के सामने आकर उससे पूछता है कि तुम्हारा बेटा कहाँ पर है, बताओ वो कहाँ पर है। और उसकी ग्रेव खोदते हुए वो उसे सवाल पूछ रहा था तभी उसके पीछे से आवाज आती है क्या तुम एक्वामैन को ढूंढ रहे हो। उस पर हमला होता है और उस हमले का जवाब देने के लिए ब्लैक मैंटा उन सभी को बारी बारी से मारने लगता है। और वो लोग उससे कह रहे थे हम तुम्हें वार्न करते हैं सरफेस के कीड़े, हम तुम्हें आसानी से मार सकते हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि ब्लैक मैंटा से निपटना इतना आसान नहीं होगा और वो बारी बारी से उन सबको जला देता है। तब वो उनकी तरफ नाइफ फेंकते हुए कहता है तुम फिश हो पानी के बाहर।